इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 864 प्रॉब्लम सी ली हुआ एंड चेस। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है और इसका पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे और इसमें आप जो मैक्सिमम क्वेरी आप पूछ सकते हैं, मैक्सिमम इंटरेक्शन, वो आप 3 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, जो है, क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट का सोल्यूशन बनाता रहता हूँ सारे कॉन्टेस्ट का, कोड फोर्सेस का। अगर आपको चाहिए होगा या आपको देखना होगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। जो है, आपको एक चेस बोर्ड दिया गया है। ठीक है, अब चेस बोर्ड में कहीं पे किंग होगा। ठीक है, किंग, आपको किंग कैसे मूव करता है आपको यहाँ पे इस डायग्राम आपको पता चल जाएगा। किंग 8 डायरेक्शन में अपने मूव करता है और एक ही स्टेप किंग क्या करता है, एक स्टेप ही लेता है। ठीक, तो अब आपको ये किंग का पोजीशन जो है वो फाइंड करना है, एक्स कॉमा वाई की किंग की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है और एक्स कॉमा वाई। ठीक, और आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो 3 से कम या 3 तक होना चाहिए। ठीक, और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, आप क्वेश्चन मार्क देंगे और ए कॉमा बी देंगे। ए और बी मान लीजिए क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं कि यार इस पॉइंट से, ए कॉमा बी से जो किंग है वो कितनी दूरी पे है। ठीक है, कितनी दूरी पे नहीं है, आप वो किंग ए कॉमा बी पे अपनी पोजीशन से ए कॉमा बी पे कितने मिनिमम स्टेप में पहुंच सकता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो इसके आप क्वेश्चन मार्क ए कॉमा बी देने के बाद आप एक काउंट में स्टोर करेंगे, सी इन करेंगे काउंट। तो ये काउंट में क्या आएगा, समझ गए आप, कि किंग एक्स कॉमा वाई से ए कॉमा बी तक आने में जो उसका मिनिमम स्टेप लगेंगे वो इस ए और बी में आने वाला है। ठीक, तो चलिए इतना हो गया। आप इस तरह से 3 ही क्वेरी जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम, और आपको बताना है कि किंग का पोजीशन क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस वाले डायग्राम से पहले एक ऑब्जर्वेशन हमारा देख लीजिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लीजिए आप खड़े हैं, इस पॉइंट से आप कोई एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, आप इससे कुछ क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, किंग कहीं पे अभी है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का जो मिनिमम स्टेप लेगा ना किंग यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए, तो इसका ये पहले इतनी दूरी, ये वाला डिस्टेंस और इसका ये वाला डिस्टेंस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस, ये डिफरेंस 1 मान लीजिए, इस डिफरेंस 2 मान लीजिए, इन दोनों डिफरेंस में जो भी मैक्सिमम होगा उतना मिनिमम स्टेप ही लेगा किंग पहुंचने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। ठीक है, हमने क्या बोला कि जो भी आप एक्स कॉमा वाई से पूछ रहे हैं और किंग जहां पे भी है, अब इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के किंग्स के और जो जहां पे हम हैं, और इसका वाई कोऑर्डिनेट जहां किंग है और जहां पे हम हैं, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा उनमें -1 स्टेप किंग लेगा उस स्टेप पे पहुंचने के लिए। आप देखते हैं कैसे। ठीक है, यही क्योंकि मेन चीज है, यही चीज जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और आसान बनाएगी। ठीक है, मान लीजिए किंग यहाँ पे है, रो नंबर 5 पे है, और ठीक है, अब 3 और 5 कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम कौन है, 5 है। ठीक है, अगर हम इसकी क्वेरी 1,1 से जनरेट करें, ठीक है, तो मैक्सिमम दूरी ये वाली डिफरेंस कितना हो गई, ये वाला डिफरेंस हो गया 4, ये वाला डिफरेंस कितना हो गया 3, सॉरी 2। तो इस 2 और 4 में जो भी मैक्सिमम है वही इसका स्टेप लेगा किंग, तो 4, तो 4 स्टेप लेगा। अब आप चाहे तो देख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से देखेंगे मिनिमम 4 स्टेप ही होगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है, 4 स्टेप और 5 स्टेप, क्योंकि मिनिमम स्टेप हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पे सॉरी 1 2 3 4 5, नहीं, आप यहां से कर देंगे 1 स्टेप 2 स्टेप, तो मिनिमम निकालना है ना, ये तो ज्यादा हो जाएगा। मिनिमम एक तरीका ये है, देखिए 1 2 3 4, और आप यहां से भी देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 स्टेप में आप पहुंच जाएंगे वहां पे, तो ये वाला पॉइंट आप समझ चुके होंगे। ठीक, तो हमारी क्या होगी, पहली क्वेरी मैं जनरेट करूंगा क्वेरी 1,1। ठीक है, तो 1,1 से मैं जनरेट करूंगा और वो एक रिटर्न देगा हमको, एक इनपुट, तो मतलब हमें मिलेगा काउंट। अब एक चीज पता चल चुका है, इस 1 दूरी से, ये तो काउंट प्लस दूरी से, मतलब इस वाली से काउंट अगर हम प्लस करेंगे, मान लीजिए इस केस में क्या देगा, इसी केस से समझते हैं क्योंकि बेस्ट, इससे अच्छा बोर्ड मैं नहीं बना सकता, तो इससे यहीं समझता हूं। तो इस वाले पॉइंट से काउंट दूरी, मतलब यहां पे, तो इसका मतलब या तो किंग आपका इस लाइन पे होगा, अब यहां से +4, या तो किंग आपका इस लाइन पे होगा। ठीक है, तो किंग आपका कहाँ कहाँ होगा आप समझ गए हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होगा आप समझ गए हैं, हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो किंग आपको या तो इस वाले लाइन पे होगा या तो इस वाले लाइन पे होगा। चलिए ठीक है,
अब क्या हो गया, पहली क्वेरी हो गई और हमको एक इनपुट भी मिल चुका है। अब हमारे पास दो क्वेरी और है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब हमको स्मार्टली परफॉर्म करना है। अब या तो इस लाइन पे किंग होगा, ये तो हमें पता चल चुका है, या तो इस लाइन पे किंग होगा, ठीक। अब एक चीज है कि अगर हम इस वाले पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं, वन था और काउंट डिस्टेंस ऐड हो गया है, तो वन प्लस काउंट, इसका जो रो है वन है तो कॉलम हमारा ये हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और ये इसका कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये वन प्लस काउंट इसका रो हो जाएगा और इसका कॉलम हो जाएगा वन, ठीक है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा किंग इस लाइन पे है, ठीक है। अब अगर है या नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब इस लाइन पे है, ठीक है। तो अगर एक बार अजम्पशन हमने कर लिया कि यार हमारा जो किंग है वो इस लाइन पे ही है, ठीक है, इस वाली लाइन पे हमारा किंग है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो क्वेरी है उसे जनरेट करेंगे। यार इस अगर इस लाइन पे है तो वो दूरी क्या है जो इस लाइन इस पॉइंट से हमको वो डिस्टेंस, मान लीजिए अगर इस पॉइंट के हम क्वेरी जनरेट कर देंगे तो वो डिस्टेंस बताएगा, तो यार इस डिस्टेंस पे है किंग या इस डिस्टेंस पे है, वो इतना काउंट हमें दे देगा। तो हम क्या, अगली क्वेरी हमारी क्या जनरेट होगी, ये वाली जनरेट होगी क्वेश्चन मार्क और ये वन कॉमा वन प्लस काउंट, तो मानते हुए कि यार इस पे है। तो अगर हमारे पास कोई अब ये यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस कितना देने वाला है बताइए, तो यहां से यहां की दूरी आपको पता है ना, अब इन दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालिए, एक्स का और वाई का, जो भी मैक्सिमम होगा उसका माइनस वन ही ये वाली दूरी होगी। तो ये कितना होगा, ये फोर होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये देखिए ये 1.5 है और ये कितना है, ये 5.3 है, तो 1.5 और 5.3 इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आ रहा है 4 और इसका डिफरेंस आ रहा है 2, तो मैक्सिमम क्या है 4, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं वो 4 है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे अगर हमारा है किंग, तो इसका मतलब 4 दूरी पे आप चले जाओ वहीं पे किंग है। तो ये 1 था तो यहाँ पे नीचे 4 स्टेप आएंगे, तो ये क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 5.5। तो इसका मतलब 5.5 पे किंग होगा, अगर होगा तो इस लाइन पे अगर होगा तो 5.5 पे किंग होगा, ठीक। तो बट किंग अभी हमें मिला नहीं है, अब कैसे हम पता करेंगे यार इस कोऑर्डिनेट पे किंग है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो किंग है इसलिए मैं दिख रहा है कि यार इस पॉइंट पे किंग नहीं है, ठीक है, हो सकता है किंग यहीं पे हो, तो क्या कोई अभी तक कॉन्ट्राडिक्शन मिला है, नहीं मिला है, ठीक है। तो हम तीसरा क्वेरी क्या जनरेट करेंगे, 5.5 पे ही जनरेट कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क 5.5। तो अब ये बताएगा कि यार अगर इस पॉइंट पे किंग है, अब वो किंग इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ठीक है। अब देखिए 5.5 से अगर क्वेरी जनरेट करेंगे और अगर किंग यहीं पे है तो इसकी डिस्टेंस जो अगला मान लीजिए काउंट 2 आएगा यहाँ से, अब ये काउंट जो भी 2 आएगा, ठीक है, अब यहाँ ये वाली जो दूरी थी, ये वाली दूरी को मैं बोल रहा हूँ काउंट 1, ठीक है। ये जब आपने ये क्वेरी किया तो आपको काउंट आया था, और जब आपने ये वाला क्वेरी जनरेट किया तो आप समझ लीजिए काउंट 1 आया। अब काउंट 1 जब आया है तो आप ये वाली क्वेरी जनरेट करेंगे, अगर ये वाली क्वेरी जनरेट करने पे जो काउंट 2 आएगा, अगर ये काउंट 2 की वैल्यू अगर 0 हुई तो इसका मतलब यस, आप किंग का पोजीशन पा गए हैं और आप उसे रिटर्न कर दीजिए। बट क्या होगा कि अगर काउंट 2 की वैल्यू 0 नहीं हुई तो, ठीक है, अगर ये 0 नहीं हुआ, तो अगर ये 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली इस लाइन पे है किंग, ठीक है, इस लाइन पे है किंग, और इस वाले पॉइंट से इतनी काउंट 2 दूरी, आप काउंट 2 दूरी इस वाले कोऑर्डिनेट से आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो इतना मतलब उतना लेफ्ट आप चले जाइए काउंट 2, तो आपका किंग वहीं पे है, ठीक है। तो जैसे आप यहां पे आएंगे, यहां पहुंचेंगे और आप जब क्वेरी जनरेट करेंगे तो ये वाली क्वेरी कितना देगी आपको, ये बोलेगी 2 है, तो ये अगला जो काउंट ये क्या है, काउंट 2 है तीसरी क्वेरी। अब ये तीसरी क्वेरी जो 2 है तो ये 0 तो हुआ नहीं, अगर 0 होता तो इसका मतलब किंग यहीं पे होता, बट अगर ये 0 नहीं हुआ 2 है तो इसका मतलब किंग इसके लेफ्ट में है, ठीक है, तो ये 2 इसका किंग यही हो जाएगा। अब हाँ, अगर आप ये सोचेंगे कि इसके राइट में क्यों किंग नहीं है, अगर राइट में किंग होता यहाँ पे मान लीजिए होता तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है 7 और ये वाला कितना है 5, तो 7.5 तो इनका मैक्सिमम क्या हुआ 7 हुआ। मैक्सिमम अगर 7 हुआ तो इसका जो स्टेप है 1.1 से कितना होता 6 होता, तो किंग का जो पहला स्टेप हम यहाँ पे आए थे 4, तो हम 7 पाए होते, समझ रहे हैं। तो फिर से इसको देख लीजिए क्यों हम बाहर नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्यों बाहर नहीं ले रहे हैं, यहां से हम क्यों लेफ्ट ही जा रहे हैं, लेफ्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर इस पॉइंट पे होता तो हम जो पहला स्टेप हमारा आया था यहां से, जब हमने पहला क्वेरी जनरेट किया था तो हम यहां से चेक करते दूसरी क्वेरी, क्योंकि हमें पता होता कि यार इस वाले लाइन पे होगा हमारा जो है
ठीक है, बट हमको अगर पता है कि यार इस लाइन पे है तो इसका मतलब है कि क्वेरी कहीं इधर से ही जनरेट हुई थी, मतलब किंग हमारा कहीं इधर ही था, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या है, अंदर आना है ना कि बाहर जाना है, ठीक है। तो बस ये है और ये हो गया, ठीक है। तो किंग का हमें क्या हो जाएगा, ये काउंट जो भी ये कोऑर्डिनेट था, मान लीजिए एक्स कॉमा वाई है कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट आया कब है, क्वेरी टू के परफॉर्म होने के बाद। अब इस एक्स कॉमा वाई से आप इधर लेफ्ट साइड आ जाइए, काउंट टू स्टेप, ठीक है। काउंट टू स्टेप आएंगे तो वही किंग का पोजीशन है, ठीक है। इसमें बस एक एज केस है, एज केस इस वाले डायग्राम से आपको नहीं दिखेगा जहां एन और एम बराबर हैं, बट एज केस आपको दिखेगा ऐसे केस में, मान लीजिए जहां पे एन की वैल्यू छोटी है एम की वैल्यू से, और जो किंग है ना वो रखा भी गया है ऐसी पोजीशंस पे। मान लीजिए ये पोजीशन में आप दिख रहा होगा, इसमें क्या है, इसमें एम जो है बहुत बड़ा है एम एन के कंपेयर में, मान लीजिए किंग यहाँ पे होता, ठीक। तो अब क्या होगा इससे, आपने जब पहली क्वेरी यहाँ वन कॉमा वन से जनरेट करेंगे तो ये क्या बताएगा, ये तो ये बताएगा कि किंग का जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है उसका वो बताएगा उतना माइनस वन स्टेप, ठीक है। तो किंग का जो यहाँ पे मैक्सिमम कोऑर्डिनेट तो यही है, ये कोऑर्डिनेट वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, और ये वन, ये टू, ये थ्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम सिक्स और थ्री में कितना होगा, सिक्स होगा। तो इसका मतलब ये कितना स्टेप लेगा, तो सिक्स माइनस वन फाइव स्टेप लेगा। देखिए कैसे, ये एक स्टेप, ठीक है, ये एक स्टेप, ये दो स्टेप, ये तीन स्टेप, ये चार स्टेप, ये पांच स्टेप, ठीक है। तो पांच स्टेप लेगा किंग। तो इसका मतलब या तो रो नंबर मतलब कॉलम नंबर या तो सिक्स में होगा किंग, या तो रो नंबर सिक्स में होगा। बट रो नंबर सिक्स क्या एग्जिस्ट कर रही है, नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब आपको यहां सर्च करना नहीं है, ठीक है। बट आपको बस यही सर्च करना है, ठीक है। अभी इस ये देखिए पहले पार्ट का सब 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 पार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब जो अब आप डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालेंगे वो अगला पॉइंट ही वो किंग का पोजीशन होगा। आपको तीसरी क्वेरी जो आप सियोरिटी के लिए चेक कर रहे थे कि यार वही पॉइंट किंग है, नहीं, अब आपको तीसरी क्वेरी यहां जनरेट नहीं करना है, ठीक है। यहां से डायरेक्ट आप देख लेंगे यार यही पॉइंट आपका किंग है, ठीक। अगर हाँ, अगर एन की केस एन बड़ा होगा, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ केस है, ठीक है, और आपका किंग मान लीजिए यहां कहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका यहां कहीं है मान लीजिए आपका किंग, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट पे तो होगा किंग बट इधर तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको इतना जाना है नीचे और अगला स्टेप क्वेरी जनरेट करके उसका क्या निकालना है, क्या इस रो में तो है बट इस कौन से कॉलम में है, तो इसलिए दूसरी क्वेरी जनरेट होगी, ठीक है। तो बट अब देख लेते हैं इसका कोड क्या है, ठीक है। कोड इसका हमने इन एन और एम इनपुट ले लिया है और हमने पहला क्वेरी जो तुरंत जनरेट कर दिया है क्वेश्चन मार्क वन कॉमा वन, तो ये बता देगा कौन से रो या कौन से कॉलम में है, तो काउंट में हमने वो स्टोर कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये काउंट की वैल्यू दोनों एन और एम दोनों से छोटी है तो इसका मतलब है कि उसका रो भी एग्जिस्ट कर रहा है और कॉलम भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो उसके लिए हम अलग ट्रीट करेंगे और इल्स उसके लिए हम अलग ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रो और कॉलम से दोनों से छोटा है काउंट, इसका मतलब हमारा कुछ इस तरह से था, सॉरी इस तरह से कुछ था और यहाँ पे हमारा इधर है, या तो इस कॉलम में होगा या तो इस रो में होगा, तो हमने दूसरी क्वेरी जनरेट करेंगे हम यहाँ इसको इस कोऑर्डिनेट को मानते हुए, इसको नहीं क्योंकि तीन ही क्वेरी हमारे पास है, इसको जनरेट करते हुए हमारे पास जनरेट करूंगा यार कौन से पॉइंट पे है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस जो भी बताएगा, अब ये क्वेरी जनरेट हो गई यहां से, अब ये काउंट वन बता दिया, तो काउंट वन दूरी देख लेंगे, काउंट वन, अब ये काउंट वन पे इसी पॉइंट पे है या इस पे है या इस पे है, इस पे है, किस पॉइंट पे है, ठीक है। अब वो देखना है, अगर इस रो पे होता तो इस कॉलम में नहीं होगा, या तो अगर इस रो और कॉलम में होगा तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पे होगा, बट अगर इस कॉलम पे है बट इस रो पे नहीं है तो कहीं इधर होगा, तो इसका मतलब अब इस वाले कोऑर्डिनेट से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी किंग की, जीरो होगी, ठीक है। क्योंकि किंग जो है या तो इस पे लाई करेगा इस पे, बीच किसी लाइन पे लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर जीरो हुई तो इसका मतलब किंग वही वही आप रिटर्न कर देंगे, और अगर जीरो नहीं हुआ तो किंग इसका मतलब श्योर है कि इस पे ही होगा किंग, ठीक है। तो बस अगर जीरो हो गया काउंट, यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर जीरो हो गया तो बस आप तुरंत रिटर्न कर दीजिए काउंट, जब आपने थ्री वाला थ्री क्वेरी आप जो जनरेट किए थे यहां से, अगर जीरो हुआ तो वही रिटर्न कर दीजिए वही कोऑर्डिनेट, अगर जीरो नहीं हुआ तो जो भी काउंट टू था वो इस वाले कोऑर्डिनेट से काउंट टू क्या स्टेप पीछे आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला आंसर होगा, इसका मतलब किंग यहाँ पे है, इसका मतलब जो तीसरी क्वेरी है वो बता तो रहा है कि यार रो यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है, तो बट ये यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए आप वन प्लस काउंट किए थे, माइनस काउंट वन किए, ठीक है। तो बस ये था, और
अब क्या है कि अगर एन और एम में किसी से भी वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, काउंट आपका, इसका मतलब वो एक एग्जिस्ट करेगा एक नहीं। तो अगर काउंट एन से बड़ा होगा तो एक एग्जिस्ट करेगा, अगर काउंट एम से बड़ा होगा तो दूसरा एग्जिस्ट करेगा, और कैसे एग्जिस्ट, फिर अगर एन से बड़ा हो गया तो इसका मतलब इधर कहीं इस वाले कॉलम में होगा। अब इस कॉलम में जब आप पहुंचने के बाद आप अगली क्वेरी जनरेट करेंगे, जो भी क्वेरी जनरेट करने के बाद जो भी आएगा वही आंसर होगा। बट अगर ये वाला बड़ा हो गया तो इस वाले रो में होगा, और रो के जनरेट करने के बाद यहाँ ये इस रो को क्या बोलेंगे, वन प्लस काउंट कॉमा वन। अब इस क्वेरी जनरेट करेंगे तो ये दूरी निकालने के लिए कौन सी दूरी पे है, तो वो वाली दूरी आएगी और उस पर आप ऐड करके वो वाला आउटपुट कर देंगे। ठीक है, तो यही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्टेंट में। थैंक यू, कीप कोडिंग। थैंक यू।